टुडेज लेक्चर टॉपिक इज ट्राइक्रोम स्टेन एंड स्पेशल स्टेन फॉर मस्कुलर फाइबर्स, इलास्टिक रेटिकुलम एंड कोलेजन फाइबर्स. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेशल स्टेन. लेट सी द डेफिनेशन ऑफ इट. हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. आई विल कीप दिस वीडियो इन हिंदी इंग्लिश बोथ. मैं इसको दोनों हिंदी इंग्लिश में से रखूँगा ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को. स्पेशल स्टेन इज अ टर्म यूज टू रिफर टू मैनी अल्टरनेटिव स्टेनिंग टेक्निक्स. स्पेशल स्टेन ऐसा टर्म है जो यूज़ होता है अल्टरनेटिव एंड उसके अलावा ऐसी स्पेशल टेक्निक्स. स्पेशल स्टेन एक ऐसा टर्म है, इसको समझें, यूज टू रिफर मैनी अल्टरनेटिव टेक्निक्स. ऐसी अल्टरनेटिव टेक्निक्स एंड इसके अलावा ऐसी टेक्निक्स यूज करने के लिए दैट आर यूज व्हेन द ट्रेडिशनल एचएनई डज नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन. ये टेक्निक्स इसलिए यूज होती हैं कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है हिस्टोपैथोलॉजी में, हम लोग ये एचएनई स्टेनिंग ही ज़्यादा करते हैं. पर ये और ट्रेडिशनली इसलिए इसको बोला गया है कि ये सालों से इसी ट्रेडिशन में बनी आ रही है कि मतलब जो कॉमन जो रहते हैं स्टेन्स और करते हैं हम उसमें एचएनई ही करते हैं. पर ये ऐसी स्टेन है जो कि ऐसी ये ऐसी स्टेन है जो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब एचएनई स्टेनिंग भी जब सेल को स्टेन नहीं कर पाती है, कुछ कुछ सेल को नहीं स्टेन कर पाती है, तब हम स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं. जब एचएनई भी उसके लायक नहीं रह जाती है कि हम टिश्यू का पता लगा पाएँ, टिश्यू डिफ्रेंशिएट कर पाएँ स्टेन के द्वारा, एचएनई जब उसको कलर नहीं दे पाता है टिश्यू को, पर्टिकुलर टिश्यू को, तब हम ऐसे स्पेशल स्टेन का यूज़ करते हैं. ट्रेडिशनल एचएनई स्टेन डज नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन द पैथोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स नीड फॉर अ टिश्यू स्लाइड. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो पैथोलॉजिस्ट को या रिसर्चर को नहीं भी मिल पाती है टिश्यू स्लाइड में एचएनई के द्वारा, इसलिए हम स्पेशल स्टेन को यूज़ करते हैं. स्पेशल स्टेन्स आर प्रोसेसेस दैट जनरली एम्प्लॉय अ डाई और केमिकल दैट हैज़ एफिनिटी फॉर द पर्टिकुलर टिश्यू दैट इज टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड. ये क्या करता है स्पेशल स्टेन? ऐसा फंक्शन करता है, केमिकल फंक्शन करता है डाई में, कि ऐसा फंक्शन करता है डाई में टू व्यू पर्टिकुलर टिश्यू ऑफ द कंपोनेंट डेमॉन्स्ट्रेटेड. एफिनिटी का मतलब है ऐसी डिग्री या ऐसा स्टेट होना केमिकल में कि बाइंड कर पाए, यानी ऐसी क्षमता मॉलिक्यूल की या डाई की पर्टिकुलर चीज से बाइंड कर पाए. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस टेंड टू कंबाइन विद अनदर. ऐसी क्षमता किसी चीज़ में सब्सटेंस में कि वो दूसरे से कंबाइन हो जाए. तो स्पेशल स्टेन में ऐसी क्षमता होती है कि वो डिफरेंट पर्टिकुलर टिश्यू से किसी अलग टिश्यू से बाइंड हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं एफिनिटी. और इसके और ये दे अलाउ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन सेल टाइप्स. और ये इनमें प्रेजेंस और एब्सेंस सर्टेन जो अलग अलग सेल्स हैं टाइप की उनको भी ये बताता है. स्ट्रक्चर्स एंड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बी व्यूड माइक्रोस्कोपिकली. जिसके स्ट्रक्चर्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ताकि हम इनको देख पाएँ, व्यू कर पाएँ माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप में. स्पेशल स्टेन्स आर नॉट द सेम एज एंड existed long before immunochemical IHC and other molecular technique probes. इतनी एफिकेसी तो नहीं होती है स्पेशल स्टेन में किसके आगे, किसके सामने, इम्यूनोकेमिकल के सामने, टेक्निक के सामने और माइक्रोबियल टेक्निक के सामने. ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब जब हॉस्पिटल्स वगैरह में और ये रिसर्च वगैरह में और इम्यूनोकेमिकल और मॉलिक्यूलर प्रोब टेक्निक यूज होती है. अब हमारा सेकंड पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यू इंट्रोडक्शन. कनेक्टिव टिश्यू का छोटा सा इंट्रोडक्शन. कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट्स द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग अ मैट्रिक्स दैट कनेक्ट्स एंड बाइंड्स द सेल्स एंड ऑर्गन्स. कनेक्टिव टिश्यू ऐसा सपोर्ट है बॉडी का
जो कि प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स, प्रोवाइड करता है जो कि कनेक्ट कर सकता है और बाइंड कर सकता है सेल से और उसके ऑर्गन से। देर आर थ्री टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं शरीर में। पहला होता है कोलेजन। कोलेजन इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन एंड इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। जो कोलेजन होता है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है एंड इज अ मेन कंपोनेंट, वो मेन कंपोनेंट होता है लिगामेंट का और टेंडन्स का। टेंडन्स और लिगामेंट्स दोनों अलग अलग होते हैं। टेंडन्स वो होते हैं जो बोन को मसल से जोड़ते हैं, ठीक है, वो टेंडन्स होते हैं। और लिगामेंट्स भी जो थ्रेड्स होते हैं मसल्स के, उनको लिगामेंट्स बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, टेंडन्स अलग होता है और लिगामेंट्स होते हैं। तो कोलेजन क्या है, इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन एंड इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट में और टेंडन का मेन कंपोनेंट होता है, मतलब कोलेजन लिगामेंट में भी पाया जाता है और टेंडन में भी पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन इलास्टिसिटी एंड इज द मोस्ट विजिबल टाइप विच कैन बी विजुलाइज विद HNE। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन इलास्टिसिटी, जो लचीलापन, इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, आपकी स्किन में जो लचीलापन होता है उसके लिए भी कोलेजन रिस्पॉन्सिबल रहता है। यानी आपके स्किन में जो लचीलापन होता है वो कोलेजन के कारण रहता है, कोलेजन प्रोटीन के कारण जो आपकी स्किन में पाया जाता है। एंड द मोस्ट विजिबल टाइप विच कैन बी विजुलाइज विथ एंड HNE। और ये ऐसा प्रोटीन होता है जिसको हम HNE के द्वारा भी देख सकते हैं। HNE के द्वारा तो हम देख ही सकते हैं, और बाकी जो जो HNE के द्वारा नहीं देख सकते उसके लिए हम स्पेशल स्टेन करते हैं, पर HNE के द्वारा कौन सा कोलेजन हम देख सकते हैं। ये ऐसा दिखता है कोलेजन, ये कोलेजन फाइबर्स है, ये सब कोलेजन फाइबर्स है। ये स्लाइड व्यू है माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग के बाद। अब हम देखेंगे इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स आर लोकेटेड इन द स्किन एंड वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। इलास्टिक फाइबर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ होते हैं, स्किन में होते हैं और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो आपकी नसों की जो दीवार होती है उनमें ये होते हैं, ताकि ये इलास्टिसिटी दें, मतलब लचीलापन दें। आपकी नसें जो रहती है, कभी देखना आप ज़्यादा मेहनत करो या ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है आपका बॉडी का, या कोई भी भारी सामान उठाओ तो नसें फूल जाती है। तो जिम करते हुए देखो तो देखना कैसे नसें फूल जाती हैं। तो नसों में क्या है, इलास्टिसिटी होती है, वो किसके कारण होती है, कोलेजन के कारण होती है और इलास्टिक फाइबर्स के कारण होती है, जो कि वो फूल जाती है और वापस अपनी समान अवस्था में भी आ जाती है। तो उसमें क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। किस में होते हैं, स्किन में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन, वो इलास्टिन से बने होते हैं। अ प्रोटीन दैट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउ मैनी टिश्यूज इन द बॉडी टू रिज्यूम देयर शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आर नॉट विजुलाइज्ड बाय HNE। क्या होता है ये, दे आर अ कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन। इलास्टिन फाइबर कैसे बना होता है, एक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम होता है इलास्टिन। इलास्टिन फाइबर्स एक इलास्टिन नाम के प्रोटीन से बना रहता है, जो उसका नेचर फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है वो, और लचीला होता है और मैनी और एंड अलाउ मैनी टिश्यूज टू रिज्यूम देयर शेप, और जितने भी टिश्यू हैं बहुत सारे टिश्यूज को अलाउ करता है, यानी उसको क्षमता देता है वापस अपनी शेप में, जैसे अगर वो फैल गया है, एक्सपांड हो गया है, तो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, अपने शेप में वापस आ जाए। टू रिज्यूम देयर शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग, अगर वो स्ट्रेच हो गया, खींच गया है तो वापस अपने शेप में आ जाए, तो ऐसी इलास्टिसिटी इलास्टिक फाइबर देते हैं। क्या है, स्ट्रेच होने के बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। एंड आर नॉट विजुलाइज्ड बाय HNE स्टेनिंग, और इसको HNE स्टेनिंग के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। किसको नहीं देख सकते, इलास्टिक फाइबर्स को। कोलेजन को तो हम देख सकते हैं HNE स्टेनिंग के द्वारा, पर हम इलास्टिक फाइबर्स को HNE स्टेनिंग के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसके लिए स्पेशल स्टेन यूज होती है। रेटिकुलर फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड फॉर्म अ डेलिकेट फ्रेमवर्क। रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन। कोलेजन का भी एक टाइप है ये,
एंड फॉर्म अ डेलिकेट फ्रेमवर्क, एक नाजुक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं अराउंड नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द बनाते हैं, फैट सेल के इर्द गिर्द बनाते हैं, ये एक ढांचा बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, लिम्फ नोड्स के चारों तरफ बनाते हैं, एंड स्मूथ एंड स्केलेटल मसल फाइबर्स, स्मूथ और स्केलेटल मसल फाइबर्स के द्वारा आजू बाजू भी एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। कौन बनाते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स बनाते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट विजुलाइज बाई एचिनी स्टेनिंग, इनको भी एचिनी स्टेनिंग के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। अब हमने ये देख लिया है, हमने मस्कुलर फाइबर के बारे में देख लिया है, रेटिकुलर फाइबर के बारे में देख लिया है, कोलेजन फाइबर के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे इनकी स्टेनिंग, कौन कौन सी स्टेनिंग इसमें यूज़ होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टेन टू डेमोन्स्ट्रेट कनेक्टिव टिश्यू इज ट्राइक्रोम मेसन स्टेन। ये क्या है? ट्राइक्रोम मेसन स्टेन का नाम है। थ्री डाइज आर यूज टू सिलेक्टिवली स्टेन, इंक्लूडिंग तीन प्रकार की डाई यूज होती हैं सिलेक्टिवली यूज्ड। थ्री डाइज आर यूज टू सिलेक्टिवली स्टेन इंक्लूडिंग मसल को रेड कलर में स्टेन करता है ये ट्राइक्रोमेसिन स्टेन, कोलेजन फाइबर्स को ब्लू कलर में स्टेन करता है, और एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज को रेड कलर में स्टेन करता है, और न्यूक्लियस को ब्लैक कलर में स्टेन करता है। ट्राइक्रोम क्या करता है? ये थ्री डाइज आर यूज टू सिलेक्टिवली, तीन प्रकार की डाइज यूज होती हैं किसको सिलेक्टिवली यानी अलग अलग तरीके से स्टेन करने के लिए। किस किस को स्टेन करता है? मसल को रेड कलर में, कोलेजन फाइबर्स को ब्लू कलर में, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज को रेड कलर में, और न्यूक्लियस को ब्लैक कलर में स्टेन करता है ये। द डाइज आर यूज टू स्टेन लिवर बायोप्सीज, लिवर में से जो बायोप्सीज मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बायोप्सीज ऐसे सैंपल होते हैं जो ऑपरेशन के समय पेशेंट से निकाला जाता है, और लिविंग पर्सन में से ही निकालते हैं उसको बायोप्सी बोलते हैं, और जो डेड पर्सन में से निकालते हैं उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। द डाइज आर यूज टू स्टेन लिवर बायोप्सीज, लिवर में से सैंपल निकालते हैं कुछ भी, अगर आप डॉक्टर को ऐसा लगता है कि एक एबनॉर्मल है टिश्यू, इसकी जांच करनी चाहिए कि कैंसरस तो नहीं है, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, इसलिए उसका सैंपल निकालते हैं। तो दे द डाइज आर यूज टू स्टेन लिवर की बायो, लिवर टिश्यूज को भी स्टेन करता है टू डिटरमाइन द डिग्रीज ऑफ फिब्रोसिस एज इन सिरोसिस एज वेल एज किडनी बायोप्सीज। फिब्रोसिस देखने के लिए, लिवर की डिसीज जैसे हैं मतलब वो है बीमारियां हैं लिवर की, फिब्रोसिस सिरोसिस एज वेल एज किडनी बायोप्सीज, और किडनी की बायोप्सीज भी करते हैं इसके साथ साथ, टू एसेंचुएट द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डेमोन्स्ट्रेट इम्यून डिपॉजिट्स। इम्यून जो डिपॉजिट होता है उसके लिए देखने के लिए, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी पता लगाने के लिए। द डाइज आर ऑल्सो यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मूथ मसल, डाइज यूज होती हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन यानी मध्य में किसके, स्मूथ मसल के एंड कोलेजन ट्यूमर्स के लिए, एंड वेरीफाई इंक्रीज ऑफ कोलेजन, और वेरीफाई करता है यानी पता लगाता है इंक्रीज ऑफ कोलेजन या कोलेजन बढ़ा है कि नहीं, ये डाई इसके लिए यूज होती है। इसका ये प्रोसेस है, इसको देखेंगे हम। इसका प्रोसेस है ये, अभी आप ऐसा देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको एक पॉइंट में भी बताऊंगा आपको कितनी कितनी देर के लिए करते हैं। पहले ये ऐसी थोड़ा सा लुक ले लेंगे हम। सबसे पहले स्लाइड को हमने रनिंग टैप वाटर में वॉश किया डी पैराफिनाइज करने के बाद, उसके बाद हमने मॉइंस डाला, एक्ट एज अ मॉर्डेंट टू बाइंड द स्टेन टू द टिश्यू। मॉइंस क्या करता है? एक्ट करता है टिश्यू को बाइंड करने के लिए। क्या करता है ये मॉइंस? पहले टिश्यू में बाइंड होता है एज अ मॉर्डेंट स्टेन। उसके बाद हम डालते हैं विगर्ड स्टेन द न्यूक्लियाई। जब विगर्ड स्टेन होती है मॉइंस स्टेन डालते हैं, विगर्ड स्टेन डालते हैं, वेब्रिक स्कारलेट स्टेन डालते हैं, है ना। वॉइंस क्या? मॉडर्न स्टेन होती है, बाइंड करता है टिश्यू के साथ। फिर उसके बाद वेगर स्टेन डालते हैं, न्यूक्लियस को स्टेनिंग करता है। फिर वेग्रिक स्कारलेट स्टेन डालते हैं, ये मसल और कोलिजन को स्टेन करता है। फिर फॉस्फस डिफ्यूजेस आउट द कोलिजन। फिर क्या करता है ये? कोलिजन को डिफ्यूज करता है फॉस्फस।
उसके बाद एनिलिन ब्लू स्टेन द कोलेजन, फिर एनिलिन ब्लू क्या करता है, स्टेन करता है कोलेजन को, फिर 1% GLLA डिफरेंशिएट्स द स्टेन, फिर 1% GLLA डालते हैं तो क्या करता है, डिफरेंशिएट्स कर देता है स्टेन को, अलग अलग कर देता है, उससे क्या होता है जो रिएक्शन होती है और केमिकल का जो अपीयरेंस आता है उसमें सेल्स में वो अलग अलग कलर का दिखता है। ये लास्ट स्टेप है, रिज इन द वाटर डिहाइड्रेट क्लियर एंड माउंट, वाटर से टैप रनिंग टैप वाटर से इसको वॉश करो, डिहाइड्रेट करो उसको ज़ाइलिन के द्वारा, और क्लियर होने के बाद उसको फिर माउंट कर दो DPX के द्वारा। द प्रोटोकॉल इंक्यूबेशन टाइम्स में पर वेरी पर मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस। हाँ, इसका ये मतलब है कि इंक्यूबेशन टाइम और जो इसका गाइडलाइंस रहती हैं कुछ कुछ टेस्ट को करने की, तो मैन्युफैक्चर जब कंपनी केमिकल बनाती है ना उसके ऊपर भी कभी कभी गाइडलाइंस बेस्ड रहती हैं कि कौन सी कंपनी कौन सा केमिकल को कितने कंसनट्रेशन के लिए और कितनी देर के लिए बोलती है, इसको अलाउ करो मतलब उसमें सोक करो। जैसे कि किसी को केमिकल को अपन 15 मिनट के लिए डाल के रख रहे हैं, तो कोई कंपनी अगर बनाती है उसको तो उसको 10 मिनट के लिए बोलती है, तो जिस कंपनी का अपन लाते हैं उस कंपनी की गाइडलाइंस के अनुसार स्टैंडर्ड के अनुसार हम कभी कभी करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। ज़रूरी नहीं है कि एक समान ही हो हर इसमें, केमिकल के अकॉर्डिंग और कंपनी कौन सी बना रही है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे पॉइंट, हम ट्राइक्रोम स्टेन देख रहे हैं। हम ट्राइक्रोम स्टेन का सबसे पहला स्टेप है ब्रिंग स्लाइड्स टू वाटर, पहले वाटर से वॉश कर दो डीप पैराफिनाइज करने के बाद, इंक्यूबेट इन वॉइंस जो रिएजेंट है उसमें इंक्यूबेट करो मतलब उसमें डाल के रख दो कुछ समय के लिए इंक्यूबेटर में, और एक्ट एज अ मॉर्डेंट टू बाइंड द डाइट टू द टिश्यू। मॉर्डेंट किससे एक्ट करता है, ये वो बाइंड करता है टिश्यू से, उसको रूम टेम्परेचर भी रख पे भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने रख के उसको छोड़ दिया है कुछ समय के लिए, यूजली ओवरनाइट, या कुछ कुछ लोग इसको रात भर भी रखते हैं और कुछ कुछ लोग इसको 10 से 15 मिनट तक भी रखते हैं। टेम्परेचर आपका 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि हमको इसको इनक्यूबेट करना है। जब किसी चीज़ को इनक्यूबेट करा जाता है तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं रहना चाहिए, उससे कम से कम ज़्यादा तापमान रहना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट रहना चाहिए कि बर्फ़ रखी तो बर्फ़ पिघल जाए, वैक्स रखी है तो वैक्स पिघल जाए, इतना तो कम से कम टेम्परेचर रहना चाहिए। तो अगर रूम का टेम्परेचर 56 से 60 डिग्री सेल्सियस है तो रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको हम इंक्यूबेटर में भी इतनी देर के लिए रख सकते हैं। नोट, इफ हीटिंग वॉइंस इन माइक्रोवेव डू नॉट हीट द स्लाइड्स इन सॉल्यूशन। माइक्रोवेव में इसको हीट नहीं करना है और स्लाइड्स को काय में हीट नहीं करना, और स्लाइड्स जो है ना कांच की स्लाइड्स उसको भी हीट नहीं करना माइक्रोवेव में, नहीं तो वो टूट भी सकती है। हीट बॉयम्स रिमूव फ्रॉम MV प्लेस स्लाइड्स इन कपलिंग जार सील विथ लिड एंड इंक्यूबेट आउटसाइड MV माइक्रोवेव के बाहर इसको रख, पहले हीट करो बॉयम्स को रिएजेंट को माइक्रोवेव में रख के कुछ देर के लिए, कपलिंग जार में अपन ने भरा बॉयम्स रिएजेंट भरा, उसको हीट करके गर्म करने के बाद उसको बाहर निकालो, उसके बाद जो ग्लास की स्लाइड है उसको डाल के उसमें रख दो। MV यानी माइक्रोवेव लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म। रिंस वेल इन रनिंग टैप वाटर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ वॉइंस। रनिंग टैप वाटर में इसको धो लो ताकि रिमूवल वॉइंस का जो जितना भी अर्क है वो निकल जाए। उसके बाद फिर क्या है चौथी स्टेप, वेगर्ड्स हीमोटॉक्सिलिन डालना है हमको 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमको फिर फिफ्थ स्टेप है इसका, रिंस इन रनिंग टैप वाटर। रनिंग टैप वाटर में वॉश करें इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने दिए टैप वाटर के नीचे। फिर वेब्रिक स्कारलेट डाले हमने 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वेब्रिक स्कारलेट डालने के बाद रिंस करें इसको, फिर रनिंग टैप वाटर में इसको धोना है। उसके बाद फॉस्फो टंकास्टिक और फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड डालना है 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रेट टू एनिलिन, मतलब फिर फॉस्फो टंकास्टिक और फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड डालने के बाद 15 मिनट डालने के बाद उसको टैप वाटर में नहीं धोना है, उसको डायरेक्ट फिर उसको हटाने के बाद उसी केमिकल को हटा दिया, उस वाटर से नहीं हटाया ऐसे ही इसको निथार दिया हमने। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट टू एनिलिन ब्लू, डायरेक्ट एनिलिन ब्लू इसमें बिना वॉश किए डाल देंगे। कितनी देर के लिए डालेंगे, 15 मिनट के लिए। फिर इसको एनिलिन ब्लू को भी हमको नहीं धोना नहीं है,
फिर वैसा निथार देना है इसको। फिर हम लोग डायरेक्टली क्या डालेंगे, 1% ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे 1 से 3 मिनट के लिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालने के बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे। हमने जब इसमें डाला था फॉस्फोटंगस्टिक डाला तब वॉश नहीं किया, एनिलिन डाला तब वॉश नहीं किया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालने के बाद हम इसको रनिंग टैप वाटर में वॉश करेंगे। फिर इसको डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, अल्कोहल से करते हैं डिहाइड्रेट करेंगे, अल्कोहल में डालेंगे। अल्कोहल में डालने के बाद इसको क्लियर करेंगे। डिहाइड्रेट हम अल्कोहल से भी करते हैं पर हम ज़ाइलिन से ज़्यादा करते हैं। हम ज़ाइलिन से जिसको करेंगे डिहाइड्रेट करेंगे और उससे क्लियर होता है। फिर DPX के द्वारा कवर स्लिप ऊपर से रख के और आजू बाजू से कवर स्लिप डाल के हम सील कर देंगे और ऐसे में हमारी स्लाइड माउंट हो जाएगी। तो ये था हमारा ट्राइक्रोम स्टेनिंग का प्रोटोकॉल, इसका कैसे हम करते हैं एग्ज़ाम। ये ऐसा दिखता है रिजल्ट्स, ये देखो ट्राइक्रोम स्टेनिंग का ऐसे रिजल्ट दिखता है। इसमें सेल्स ऐसे दिखते हैं स्टेनिंग होने के बाद। अब हम देखेंगे वेयरहॉफ्स वैन गेसन इलास्टिक स्टेन। क्या लिखा है, वेयरहॉफ्स वैन गेसन इलास्टिक स्टेन। अब हम पहले हमने ट्राइक्रोम स्टेन देखा था, अभी हम क्या देख रहे हैं, स्पेशल स्टेन्स देख रहे हैं हम। स्पेशल स्टेन्स का है कि मस्कुलर फाइबर्स के लिए, इलास्टिक फाइबर्स के लिए, रेटिकुलम के लिए, कोलेजन फाइबर्स की हम लोग स्पेशल स्टेन देख रहे हैं। हमने ट्राइक्रोम देख लिया, अब हम देखेंगे वेयरहॉफ्स वैन गेसन इलास्टिक स्टेन। वेयरहॉफ्स वैन गेसन इलास्टिक स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई द एट्रोपी ऑफ इलास्टिक टिश्यूज एज इन एम्फिसमा, एविडेंस ऑफ मस्कुलर डिजीजेस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड इन्वेशन ऑफ ट्यूमर्स इन टू वेसल्स। इसकी प्रोसेस देख लेंगे। रन स्लाइड्स, सबसे पहले इसको रनिंग टैप वाटर में इसको वॉश किया, ओवर स्टेन विता, फिर हिमाटोक्सिलिन डाला और आयरन क्लोराइड डाला इसमें, क्लोराइड आयोडीन डाला, सॉल्यूशन डाला, डिफ्रेंशिएट किया, फिर आयरन क्लोराइड डाला। Fe यानी आयरन होता है, विच ब्रेक्स द मॉडर्न, जो मॉडर्न को ब्रेक करता है, मॉडर्न डाई को कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न डाई कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता है, बट द इलास्टिक टिश्यू विल बाइंड। ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है आयरन क्लोराइड और ब्रेक करता है मॉडर्न डाई कॉम्प्लेक्स को और इलास्टिक टिश्यू को बाइंड करता है। फिर क्या होता है, रिमूव एक्सेस FeCl यानी FeCl यानी आयरन क्लोराइड को रिमूव कर दो एंड आयोडीन विद अ थायोसल्फेट, और आयोडीन और थायोसल्फेट इसमें फिर हम डालते हैं, पोर करते हैं। उसके बाद हम काउंटर स्टेन करते हैं कायर से, वैन गेसन स्टेन से, जो कि हमारा स्टेन का नाम है, कंसिस्ट ऑफ अ पिक्रिक एसिड एंड एसिड फिक्शन। एसिड फिक्शन डालते हैं हम इसमें और पिक्रिक एसिड डालते हैं, फिर इसको डिहाइड्रेट करते हैं, क्लियर करते हैं और माउंट करते हैं। और स्टेनिंग होने के बाद ये ऐसा दिखता है, कोलेजन रेड कलर का दिखता है और मसल दिखता है येलो कलर का, येलो कलर का दिख रहा है मसल। इलास्टिक फाइबर्स है मसल चाहिए, ये मस ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, मसल दिख रहा है पूरा येलो कलर का और ये जो इलास्टिक फाइबर है ये दिख रहा है पूरी ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, ये पूरा इलास्टिक फाइबर दिख रहा है। ट्राइक्रोम में भी हमने देखा था, दिखा रहा हूँ मैं ट्राइक्रोम में उसका वो प्रोटीन। अब हम इसका प्रोटोकॉल देख लेंगे। इंक्यूबेशन टाइम, वही इंक्यूबेशन टाइम कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, हर केमिकल कंपनी कितनी देर के लिए बोलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सॉस की बोतल लिया, दो सॉस की बोतल लिया अलग अलग कंपनी की, सॉस दोनों ही बना रही है कंपनी, पर कोई कंपनी बोलती है 36 महीने तक रखने के लिए, कोई कंपनी इसको बोलती है कि 12 महीने तक रखो ऐसा, और उसकी गाइडलाइन रहती है यूज़ उसको बनाने की, यूज़ करने के लिए। मतलब सॉस तो है आपको, टेस्ट वही मिल रहा है, पर कोई कंपनी बोल रही है इसको 36 महीने तक रखो नहीं तो एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी, और कोई कंपनी बोलती है 12 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाती है। उसी प्रकार से जो मैन्युफैक्चर रहता है बनाने वाला, वो भी एक सेम केमिकल तो बनाता है, पर उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कि उसको कितने कंसंट्रेशन के लिए बना रहे हैं और उसकी एक्सपायरी वो कब तक मेंटेन रख सकते हैं।
वो मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। अब हम इसका देखेंगे प्रोटोकॉल, यानी इसको किस तरीके से ये स्टेनिंग होती है। पहला इसका पॉइंट है ब्रिंग स्लाइड्स टू वाटर, मतलब डीप पैराफिनाइज होने के बाद इसको पानी से धो लो रनिंग टैप वाटर में। वेयर ऑफ इलास्टिक स्टेन वर्किंग सॉल्यूशन, वेयर ऑफ इलास्टिक स्टेन डालो 15 मिनट के लिए, फिर इसको रनिंग टैप वाटर में धो लो अच्छे से। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, 2% फेरिक्लोराइड डाला अपन ने 1 से 2 मिनट के लिए। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या डाला, 2% फेरिक्लोराइड डाला 1 से 2 मिनट के लिए, फिर इसको रनिंग टैप वाटर में धुलो। फिर उसके बाद डालो 5 से 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए इसको रनिंग टैप वाटर में हमको धोते रहना है। फिर इसको 5% सोडियम थायोसल्फेट डालो 1 मिनट के लिए, 5% सोडियम थायोसल्फेट डाले हमने 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको रनिंग टैप वाटर में इसको वॉश करना है, फिर काउंटर स्टेन करना है। यानी काउंटर स्टेन क्या होती है, प्राइमरी यानी पहली स्टेन, मॉडरेट यानी बीच वाली स्टेप को मॉडरेट बोलते हैं, और जो लास्ट स्टेप होती है स्टेनिंग की वो होती है काउंटर स्टेन, जो कि मेन स्टेनिंग होती है। इसके द्वारा सेल अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाता है। तो कौन सी है वो, वेनगेसन जो कि स्टेनिंग का नाम है, वो जो मेन स्टेनिंग है उसको हम 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए रखते हैं स्लाइड को उसमें, और स्किप 95% एंड क्विकली डिहाइड्रेट इन 10 to 2 ईयर एंड माउंट। इसका मतलब ये है कि इसको हम ज़ाइलिन में डालेंगे, काउंटर स्टेन किया उसके बाद इसको वॉश किया, उसके बाद हम इसको हाइड्रेट हो गया वॉश करने से, फिर ज़ाइलिन डाला, ज़ाइलिन डाल के डिहाइड्रेट किया और 10 to और ये उसको फिर हमने माउंट किया DPX से, उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोपिक इसका एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये थी हमारी, कौन सी स्टेनिंग थी हमारी, ये वेनगेसन स्टेनिंग थी हमारी। अब हम इसके बाद दूसरी स्टेनिंग देखेंगे। हमने ट्राइक्रोम देख लिए, वेयरहॉफ्स वेनगेसन स्टेन देख लिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेन देखेंगे। ये है गोमरिस रेटिकुलिन फाइबर, स्टेनिंग का नाम है गोमरिस रेटिकुलिन फाइबर स्टेनिंग। रेटिकुलिन फाइबर सपोर्ट द बॉडी, रेटिकुलिन फाइबर क्या करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं एंड आर कॉमन इन लिवर, और आमतौर पे लिवर में पाए जाते हैं, स्प्लीन में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। लिवर क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, स्प्लीन में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक रेटिकुलम पैटर्न्स कैन हेल्प डायग्नोस सिरोसिस ऑफ द लिवर, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रेटिकुलिन के पैटर्न के, जो रेटिकुलिन का जो ऐसा कुछ ऐसा पैटर्न रहता है उसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो डायग्नोस करने में पता चलता है, लिवर सिरोसिस को, अर्ली फिब्रोसिस इन बोन मैरो, बोन मैरो में फिब्रोसिस होने जल्दी पता लगाता है कि बोन मैरो में फिब्रोसिस तो नहीं हो गया है, ट्यूमर्स इंक्लूडिंग हिमेंजियोस्कारसोमास, ट्यूमर्स ऑफ सेल्स, हिमेंजियोस्कारसोमास नाम के ट्यूमर्स का पता लगाते हैं हम इसमें, ट्यूमर्स ऑफ सेल्स दैट लाइन ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स में कुछ ट्यूमर्स होते हैं उनमें पता लगाने के लिए, फिब्रोब्लास्टिक ट्यूमर्स का पता लगाने के लिए, रेब्डोमायोस्कारसोमास पता टाइप के ट्यूमर्स पता लगाने के लिए, ट्यूमर्स ऑफ मसल्स में कुछ ट्यूमर्स गिठाने जाती है ना ऊपर देखने, किसी के शरीर में गिठाने दिखती हैं वो मसल्स में ट्यूमर पाया जाता है उनको, इसलिए इनके शरीर में किसी किसी गिठाने गुठलियाँ जैसे दिखती है। दैट आर अटैच टू बोन, जो कि बोन से भी किसी किसी में बोन में भी अटैच होती है। दे कैन ऑल्सो हेल्प डायग्नोस एपिथेलियल वर्सेज नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स, और ये और मतलब क्या डायग्नोस करने के लिए हेल्प करता है, ये एपिथेलियल और नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स को भी डायग्नोस करने के लिए गोमोरिस रेटिकुलम फाइबर का हम यूज़ करते हैं। इसकी अब प्रोसेस देखेंगे हम। स्टेनिंग
स्टेनिंग होने के बाद पहले ही देख लो कैसा दिखता है। रेटिकुलिन फाइबर्स ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक कलर की ये धारियाँ दिख रही है, ये इसमें रेशे जैसे ये टूटी टूटी लाइनिंग ब्लैक ब्लैक कलर की, ये रेटिकुलिन फाइबर्स ब्लैक कलर का स्टेन होता है। और न्यूक्लियस ये गोल गोल रेड रेड गोल गोल दिखना, गोलियाँ दिख रही होगी बारी बारी बटन जैसी, ये न्यूक्लियाई है रेड कलर का। बैकग्राउंड जो है ये ग्रे कलर का, बाकी का बैकग्राउंड है ये पूरा ग्रे ग्रे कलर का दिख रहा है। और जो रेटिकुलिन है वही दिख रहा है, ये थ्रेड थ्रेड ब्लैक ब्लैक, और न्यूक्लिया दिख रहा है रेड रेड गोल गोल। अब इसका प्रोटोकॉल, ब्रिंग स्लाइड टू वाटर, वाटर में पहले वॉश कर लो इसको, उसके बाद ऑक्सीडाइज इन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट परमैंगनेट में इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए यानी ऑक्सीडेशन होना यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन के ऐड होने के लिए हम इसको क्या करेंगे 10 मिनट के लिए रख देंगे पोटेशियम परमैंगनेट में, फिर रनिंग टैप वाटर में वॉश करेंगे 3 मिनट के लिए, फिर ऑक्सैलिक एसिड में रखेंगे 1 मिनट के लिए, चौथा स्टेप ही ऑक्सैलिक एसिड में हमने इसको रखा 1 मिनट के लिए, फिर पाँचवा स्टेप है इसका रनिंग टैप वाटर में फिर इसको 2 मिनट के लिए वॉश किया, फिर सैनिटाइज इन फेरिक अमोनियम सल्फेट, फिर इसको सैनिटाइज करेंगे फेरिक अमोनियम सल्फेट में 15 मिनट के लिए, फिर इसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर इम्प्रेगनेट इन अमोनियल सिल्वर, और अमोनियल सिल्वर में इसको इम्प्रेगनेट करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर इसको रनिंग टैप वाटर वॉश करेंगे 1 मिनट के लिए। डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या करेंगे 20% अनबफर्ड फॉर्मेलिन डालेंगे, अनबफर्ड फॉर्मेलिन डालेंगे में डालेंगे 1 मिनट के लिए, रनिंग टैप वाटर से फिर वॉश के लिए रखें इसको 2 मिनट के लिए, फिर टोन करने के लिए 0.1% गोल्ड क्लोराइड डालेंगे 3 से 5 मिनट के लिए, गोल्ड क्लोराइड डालते हैं, फिर रनिंग टैप वाटर वॉश किया इसको, फिर 5% के लिए डाला सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट फिर हमने डाला 1 मिनट के लिए, फिर रनिंग टैप वाटर वाटर में 1 मिनट के लिए वॉश किया, फिर काउंटर स्टेन किया क्योंकि ये लास्ट पार्ट होता है, काउंटर स्टेन आया यानी अभी स्टेनिंग का लास्ट पार्ट है केमिकल स्टेनिंग का, उसके बाद सिर्फ धोना और माउंटिंग करना ही होता है। फिर काउंटर स्टेन किया इन न्यूक्लियर फास्ट रेड, न्यूक्लियर फास्ट रेड डाला 3 से 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर उसको अच्छे से धो लिया 15 सेकंड के लिए, फिर डिहाइड्रेट किया क्लियर किया और माउंट किया, डिहाइड्रेट जॉयरिन से किया और माउंट करते हैं हम DPX से। तो ये थी हमारी गोमोरीस रेटिकुलम स्टेनिंग की प्रोसीजर। अब हम नेक्स्ट स्टेनिंग देखेंगे, लवन वन लास्ट स्टेनिंग और बची है, हम इसको देखेंगे फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये है मोवेट पेंटाक्रोम स्टेन। पेंटाक्रोम यानी 5 प्रकार के कलर देता है, ट्राइक्रोम यानी 3 कलर, पेंटा यानी 5 कलर, इस टाइप के ये कलर देता है। मोवेट पेंटाक्रोम का हम देखेंगे करते क्यों है। मोवेट पेंटाक्रोम इज अ सुपर कनेक्टिव टिश्यू स्टेन। ये ऐसा स्टेन है जो सुपर कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं उनको स्टेन करने के लिए मोवेट पेंटाक्रोम स्टेन यूज होता है। इट इज़ यूज टू स्टडी हार्ट टिश्यू। ये हार्ट टिश्यू को यूज स्टडी करते हैं जब, हार्ट टिश्यू की उसके लिए यूज होता है। ब्लड वेसल्स एंड वस्कुलर एंड लंग डिसीजेस, ब्लड वेसल्स की स्टडी करने के लिए, वस्कुलर एंड लंग डिसीज की स्टडी करने के लिए इसको यूज करते हैं। ड्यू टू द एक्सेलेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कोलेजन इलास्टिक फाइबर फिब्रिन एंड मसल फाइबर्स, ड्यू टू एक्सेलेंट डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करता है, एक्सेलेंट यानी बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन करता है, अलग अलग करके बताता है बहुत अच्छी तौर पे से कोलेजन को, इलास्टिन को, फिब्रिन को और मसल फाइबर्स को। द मोवेट कैन रिवील सबटल चेंजेस दैट द रूटीन एंड नॉर्मल स्पेशल स्टेन डू नॉट। मोवेट क्या करता है, ऐसा चेंजेस जो कि नॉर्मल और स्पेशल स्टेन भी नहीं दे पाती है चीज़ों को और सेल्स को नहीं बता पाती, उतने अच्छे तौर से ये एक्सेलेंट तौर से ये डिफ्रेंशिएट करके बताता है, क्योंकि स्पेशल और अदर स्पेशल स्टेन भी नहीं, जैसे कि अभी क्या मैंने जितने भी स्टेन पढ़े उन सब में अच्छी
ये है मोवेट पेंटाग्राम स्टेन, जो कि स्पेशल स्ट्रेन को भी मात देता है, कर बहुत अच्छे से करता है ये, और रूटीन स्पेशल स्ट्रेन तो इसके सामने लाइन भी नहीं रखती। अब हम देखेंगे इसका प्रोसेस। ये ऐसा दिखता है, ये स्ट्रेनिंग होने के बाद इसका एग्जामिनेशन होता है तभी ऐसा दिखता है। न्यूक्लिया एंड इलास्टिक फाइबर्स ब्लैक कलर के दिखते हैं, देखना ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, ये न्यूक्लिया है और इलास्टिक फाइबर्स है। ये फिब्रिन और मसल जो है, ये रेड रेड कलर का जो है, ये फिब्रिन और मसल है रेड रेड कलर में। कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो, ये देखना है येलो येलो कलर में है ना, ये येलो येलो कलर जो है थोड़ा स्लाइटली, ये कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स है ये। और म्यूसिन्स जो है वो ब्लू और ग्रीन कलर के, ब्लू और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना ये, वो म्यूसिन्स है। अब हम इसका देखेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में सबसे पहला पॉइंट है वही, टैप वाटर में वॉश करो उसको, फिर एलसीन ब्लू केमिकल नाम का केमिकल होता है, एलसीन ब्लू नाम का, उसमें रखते हैं हम 20 मिनट्स के लिए। कपलिंग जार में हमने रखे, इसमें केमिकल डाले, एलसीन ब्लू डाले कपलिंग जार में, उसको 20 मिनट के लिए हमने इसमें स्लाइड डिप करे, टिश्यू जिसमें है चिपका हुआ टिश्यू वाली स्लाइड हमने 20 मिनट्स के लिए एलसीन ब्लू में डाले, फिर रनिंग टैप वाटर में 5 मिनट के लिए वॉश किए, फिर एल्कलाइन एल्कोहल में हम इसको रखेंगे 16 मिनट के लिए, काय में रखेंगे एल्कलाइन एल्कोहल में 16 मिनट के लिए, फिर रनिंग टैप वाटर में इसको हम वॉश करेंगे 10 मिनट के लिए, फिर उसमें फिर हम क्या करेंगे डिस्टिल वाटर, रनिंग टैप वाटर अलग होता है और डिस्टिल्ड वाटर अलग होता है, ये जो लेबोरेटरी यूज़ के लिए ही यूज़ होता है, ये डिस्टिल वाटर में हम सिर्फ इसको डिप करके निकाल लेंगे। वेयरहॉफ्स इलास्टिक सॉल्यूशन डालेंगे इसमें हम 12 से 15 मिनट के लिए, फिर इसको दो बार डिप करेंगे हम डिस्टिल वाटर में, फिर नोवा स्टेप है फेरिक क्लोराइड डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे फेरिक क्लोराइड, 2 से 3 मिनट के लिए क्या डालेंगे, 2 से 3 बार क्या करेंगे डिप करके निकाल लेंगे फेरिक क्लोराइड में से, फिर इसको रनिंग टैप वाटर में फिर धोया, फिर सोडियम थायोसल्फेट डाला 1 मिनट के लिए, फिर इसको रनिंग टैप वाटर में 5 मिनट के लिए धोया, फिर क्रोसियन स्कारलेट डाला और एसिड फ्यूशन डाला कितने देर के लिए, 1.5 से 3 मिनट के लिए क्रोसियन स्कारलेट और एसिड फ्यूशन दोनों डाला उसमें मिक्स करके, कितने देर के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए डालेंगे, फिर डिस्टिल्ड वाटर में दो बार वॉश करके निकाल लेंगे, फिर 5% एसिटिक एसिड वाटर में इसको डिप करके निकालेंगे, फिर डालेंगे 5% एक्वास फॉस्फोटंगस्टिक एसिड डालेंगे। एक्वास यानी एक्वा आता है, कहीं भी शब्द आता है इसका मतलब होता है पानी, यानी लिक्विड टंगस्टिक एसिड में हम डालेंगे इसको दो बार, 5-5 मिनट के लिए दो बार डालेंगे इसको, फिर निकाल लेंगे, फिर 5 मिनट के लिए डालेंगे, फिर हम डालेंगे 5% एसिटिक एसिड वाटर में उसको डिप करके क्विकली निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल में 3 बार डालेंगे डिप करके निकाल लेंगे, फिर सैफरान में इसको हम 15 मिनट के लिए रखेंगे, सैफरान में हमने इसको 15 मिनट के लिए रखा, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में फिर से दो बार डिप करके निकाल लिया, फिर क्लियर करा और फिर माउंट किया। ये हमारी लास्ट स्टेप थी। तो ऐसे हमने स्टेनिंग देखी है, हमने इस तरीके से याली स्टेनिंग भी कंप्लीट होती है हमारी, इस तरीके से स्लाइड में दिखता है ये, जैसे आपको मैं बताया था। हमने कौन सी देखी, हमने लास्ट में मोवेट पेंटाग्राम स्टेन देखी, जो कि हार्ट मसल्स के लिए, लंग डिसीज में इसमें लंग मसल्स के लिए, ब्लड वेसल की मसल्स के लिए ये याली स्टेनिंग करते हैं। क्या देखते हैं, कोलेजन देखते हैं, इलास्टिन देखते हैं, फिब्रिन देखते हैं, मसल फाइबर्स देखते हैं इसमें। मोवेट हमने देखा, मोवेट पेंटाग्राम देखा हमने, हमने ग्रोमोरिस रेटिकुलम फाइबर स्टेन देखा, दूसरा ये देखा हमने, इसके बाद हमने देखा वेयरहॉफ्स वैन गिसन लास्टिक स्टेन देखा, तीसरा ये देखा हमने,
और सबसे पहला हमने देखा ट्राइक्रोम मैसन स्टेन, ये ऐसी चार प्रकार की स्टेनिंग हमने स्पेशल स्टेनिंग की स्टडी करी और इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। क्या था हमारा टॉपिक? ट्राइक्रोम स्टेन हमने हमको देखना था और स्पेशल स्टेन देखना था मस्कुलर फाइबर्स की, इलास्टिन फाइबर की, रेटिकुलम की और कोलेजन फाइबर्स की। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।